और भाई क्या हाल चाल सबके, एकदम सारे एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और आज की ब्लॉगिंग करता हूं मैं यहीं से शुरुआत। तो अभी मैं आ रखा हूं अपने वॉलीबॉल ग्राउंड पे, क्योंकि 3 दिन से गांव पे लगातार बारिश हो रही है और अब जाके थोड़ी सी बारिश शांत हुई है, तो इसी कारण मैं यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड पे आ रखा था वॉलीबॉल ग्राउंड देखने के लिए कि खेलने लायक है या नहीं। फिलहाल तो ग्राउंड थोड़ा सा वैसा हो रखा है, मतलब चिपला चिपला हो रखा है, तो इसमें खेलना आज के दिन में बिल्कुल सही नहीं है। तो इसी कारण मैं यहाँ देखने के लिए आया था और मैं ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ यहीं से। हाय हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम गुसाई, आप देख रहे हैं टीम गुसाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हमारा गांव पड़ता है बिल्कुल सेंटर में और हमारे गांव के मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे, इधर भी पहाड़ इधर भी इधर भी इधर भी, तो चारों तरफ पहाड़ है और चारों तरफ फॉगी फॉग से भर रखे हैं, मतलब एकदम खतरनाक वाला सीन हो रखा है यार। अभी तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, अगर मैं कुछ टाइम पहले आपको दिखाता तो एकदम पीछे तक एकदम फॉगी फॉग, अब तो थोड़ा शांत हो रखा है और बारिश भी फिर से शुरू हो चुकी है। 3 दिन से भाई लगातार बारिश हो रही है गांव में और जो गांव के नीचे 2 नदियां हैं ना उनमें भी पानी काफ़ी तेज़ हो चुका है। इसके बाद हम तुरंत वहीं चलेंगे, वहां का थोड़ा आपको सीन दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रखा है। तो खेलने लायक तो आज है नहीं, तो फिर चलते हैं अब नदी की ओर और वहाँ तो देखते हैं कि क्या क्या खतरनाक खतरनाक सीन और क्या हैं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये कोदा की फसल है यहाँ पे एकदम लेट चुकी है, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई ना 3 दिनों से कि ये जो ये कोदा है ये एकदम सा सपाट हो चुका है और जो ये खड़े हो रखे थे एकदम लेट गए, भाई क्या ही बोले। और हमारी गाय भी आ चुकी है एकदम से तंदुरुस्त बन के चर चुर के जंगलों से, ये हमारी नई गाय है। चल, और ये हमारी माता श्री। यो, तो बारिश लगातार पड़ने के कारण ना घर से कहीं बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, घर पे ही रहते हैं और कब बोलते हैं कि ये बारिश कब बंद हुए। 3 दिन से भाई इतनी लगातार बारिश पड़ रही है कि मैं कुछ बना ही नहीं पाया, कुछ शूट ही नहीं कर पाया इस बारिश के चक्कर में, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ पानी ही पानी। और अब हम जा रहे हैं नदी की साइड, थोड़ा सा नदी का आनंद लेते हैं। तो मैं नदी में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि वहाँ पानी का भाव इतना तेज़ रहता है कि कुछ मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैंने पिछली वीडियो में देखा कि मैं बोल रहा था और पीछे से नदी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी, सुनाई दे रही ना। हाँ, तो नदी में पानी बढ़ रखा है काफ़ी, तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी जाना है हमने वहाँ और आप यहीं से देख लो कि नदी कितनी तेज़ हो रही है और आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी और मौसम भी आपका काफ़ी खतरनाक सा हो रखा है। जैसे कि मैंने बोला कि फॉगी फॉग चारों तरफ, मतलब इस फॉग ने ऐसे ढक रखे ना पहाड़, क्या ही बोले, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आर पार। तो मौसम तो काफ़ी मस्त है और नदी में काफ़ी पानी तेज है, मतलब एकदम मजा लेंगे यार। चलिए फिर चलते हैं, किस बात की देरी। पहुंच चुके हैं हम मंदिर के पास और कुछ ही दूर में यहाँ पे से 2 नदियाँ हैं, दोनों नदियाँ यहाँ पे से बिल्कुल पास में हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे से बिल्कुल मेरे यहीं पे है नदी, एक नदी ये है और एक नदी वो है, तो मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि कितना पानी बढ़ रखा है और कितना क्या कुछ हो रखा है और चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है आपको। इस नदी में तो इतना पानी बढ़ रखा है, जो पानी है बिल्कुल काला काला हो रखा है आप देख सकते हैं, और ऊपर से पानी एकदम भयंकरी तरीके से आ रहा है। तो मैं सोच रहा था इसे पार करके वहाँ पुल में जाऊँ, लेकिन पार करना मुश्किल है यार, देख रहे हो रास्ता भी नहीं है और ख़राब भी है। तो फिलहाल रहने देते हैं, यहीं से आपको दूसरी साइड की नदी भी दिखाते हैं उसमें कितना पानी बढ़ा है। ये सेकेंड नदी है तो इसमें उससे ज़्यादा पानी आ रखा है ऊपर से, क्योंकि इसकी जो ये घाट है ये काफ़ी चौड़ी है, मतलब उस वाली से ये काफ़ी चौड़ी है, तो इसमें ऐसा लगता है कि पानी ज़्यादा है। वहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, उस वाली भी और ये वाली भी, और सीधा नीचे के ले जाती है। छोड़ो आओ बैठो
से शुरू, गिले शिकवे सारी बातें भूल करते हैं फिर से शुरू। पानी काफी तेज हो रखा है, बारिश अभी बंद हुई है तो अभी ही शायद ये पानी बढ़ा है और धीरे धीरे देखते ही देखते पानी इतना तेज हो चुका है। कुछ टाइम पहले पानी सूख चुका था और अब इस साइड भी पानी, उस साइड भी पानी, दोनों ही साइड पानी पानी। तो अभी गांव के एक दादाजी आ रखे थे, तो अभी यहाँ पे पास में ही हमारे एक लोकल मार्केट है चुंडाई, तो वहाँ जा रहे थे, तो पानी ज़्यादा होने के कारण उन्हें फिर से वापस जाना पड़ा। तो अब मैं भी चलता हूँ घर की ओर। दोस्तों, घर जाने से पहले मैं आपको कुछ अपने बचपन के खिलौने दिखाता हूँ जिनसे हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ करते थे, उनसे अपना टाइम पास करते थे। तो चलिए फिर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने कुछ करना है नहीं, जो ऐसे आम की गुठलियाँ होती है, मतलब जो खा के हमने फेंक रखी रहती है और उसमें ऐसे पेड़ आने लग जाते हैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, तो इनसे हमने करना क्या है तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिंपली जो ये आम की गुठली होती है तो इसे आपने जो इसकी ऊपर की टहनी है इसे ऐसे तोड़ देना है और इसमें एक ऊपर की ऐसी बाहर की एक लेयर सी होती है तो इसे भी आपको निकालना पड़ेगा। तो बताता हूँ मैं आपको बारी बारी से कि हम इससे क्या करते थे। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या होगा इसके अंदर, ये तो एक आम की गुठली है सिर्फ। तो मैं दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे। तो जो इसकी बाहर की लेयर है ना, ये अभी काफ़ी फैंसी है, कैसे कठोर की टाइप की, तो इसे निकालने में हाथ को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कहाँ गए। तो इसे निकालने के बाद तो इसे फेंक देना है और जो ये वाली है तो इसे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो इस आम की गुठली के ऊपर की लेयर निकलने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये इधर से थोड़ा सा इसका छेद होगा और नीचे ये ऐसा होगा। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो करना ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे तो ये ख़राब भी हो रखा है बट कोई नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। देखो ये है जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, आपको ऐसे ऐसे घिसना है, ऐसे 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 ऐसे, तब तक ऐसे घिसते रहना है जब तक यहाँ पे छोटा सा छेद ना हो जाए। तो ये तो ख़राब है, मैं दूसरे करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से मैंने ये दूसरा वाला लिया है, तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे घिसते रहना है जब तक यहाँ पे एक छोटा सा ये ना आ जाए, मतलब ऐसे फट नहीं जाए नीचे से और नीचे ये ऊपर से, तो पहले से ही फटा था, यहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। इसको ऐसे घिसते रहना है, मतलब बस ऐसे घिसते 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 जब तक ये ऐसा ना हो जाए, कैसे ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो हम काफी ज्यादा मजा करते थे छोटे में, मतलब एकदम अलग ही लेवल का मजा आते थे इसे, हम छोटे में काफी बनाते थे। तो इसे मुझे लगभग 4 या 5 साल हो गए तब से मैंने इसे बनाया नहीं है, आज मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इसे बनाया कि हम छोटे में ऐसे ऐसे काम करते थे तो ऐसे ऐसे इससे आवाज निकलती है। तो ये हमारे छोटे के खिलौने थे, ऐसे कई चीजें हैं और दिखाता हूँ मैं आपको और क्या क्या चीजें थी। ये फूल टाइप का, तो मैं बताता हूँ इससे भी हम काफ़ी वैसे करते थे, मतलब टाइम पास तो क्या, मतलब वैसे मज़ा आता था इसे करने में। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, बस तोड़ लेना है और थोड़े से एक गुट्ठी बना के अपने साथ रख लेनी है। सबसे पहले मैं इसका आपको नाम बताता हूँ, इसे हम कहते क्या है, तो इसे हम अपनी भाषा में मुंजड़िया कहते हैं। तो जो इसकी जो ये पत्तियाँ होती है ना, तो इसको ऐसे तोड़ लेना है और जो इसकी फूल है, इसमें तो फूल लगना शुरू हो चुके हैं पर जब इसमें फूल लगना शुरू नहीं होते, हम तब इसका यूज़ करते थे पर मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करते थे हम इससे। तो इसकी ऐसी पत्तियाँ ले लेनी है तोड़ तोड़ के, मतलब इनको करना कुछ है नहीं, बस ऐसे हाथ है अरे ऐसे करते जाना है, बस ऐसे करते जाओ जब तक ये बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, मतलब करते जाओ, मतलब करते जाओ करते जाओ। तो ये हमारे कुछ छोटे के, जब हम छोटे थे तो हम ऐसा बहुत काम करते थे, तो इसको ऐसे करते जाना है और जो आपके हाथ है ना वो आपको ऐसे हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये मेहंदी का एक किस्म से काम करता है। तो जब हम छोटे थे तो इसे हम लगाते रहते थे, जितने भी थे हम, अपने भाई लोग थे, कुछ मेरे दोस्त थे, तो हम ऐसे करते रहते थे और जो हमारे हाथ है वो ऐसे हो जाते थे, ऐसे मतलब रेड कलर के या ऑरेंज कलर के, तो ऐसे हो जाते थे। देखो मेरे हाथ कैसे हो गए ना ऑरेंज, ऐसे लग रहा है मेहंदी लगाई होगी हाथों पे, मुंजड़े कहते हैं। और इससे हम ऐसे हाथों पे लगाते रहे और ऐसा अपना टाइम पास करते थे छोटे में। तो ये कुछ खिलौने हैं हमारे बचपन के जो हम बहुत करते थे, तो मैंने बोला क्यों ना आपको दिखाते हैं। तो जिस किसी ने भी किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने किया है या नहीं किया है।
फाइनली मेरे हाथ ऐसे है भाई साहब, ऐसा हो गया, पीछे ऐसा, आगे ऐसा, आगे ऐसा। जब आप कभी अपने पहाड़ में आते हो, अपने गांव पे आते हो, तो ऐसा ज़रूर करना। और आपको सिर्फ बारिश के, जब बारिश का मौसम रहता है, रेनी सीज़न में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो ये आम के जो गुठलियाँ हैं वो भी बड़ी हो जाती है, और जो ये मुंजड़े के फूल है, पत्ते हैं, ये भी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा कलर इनका आता है नहीं। तो अब चलते हैं घर की ओर, और घर में क्या कुछ आगे होने वाला है वो तो हमें आगे पता चलेगा, पीछे का नज़ारा तो कुछ मस्त वाला है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो नदी से आने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राउंड पे। तो हमारा प्लान ये बना कि हमने बोला चलो यार कुछ ना कुछ खेल लेते हैं, क्योंकि मौसम भी का थोड़ा बहुत साफ हो चुका है ऊपर, तो हमने बोला कुछ खेल लेते हैं। तो हम आ चुके हैं ग्राउंड पे, और हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे भोलू। आए परिचित होंगे तुम भोलू से, भोलू तो हमारे चैनल का काफ़ी बेस्ट एक्टर है, इसकी वीडियो आप ज़रूर देखना, बचपन की यादें, उसमें इसने रोल किया है, इसने और एक और है आदि, तो ये मेरे दोनों भाई है, तो काफ़ी अच्छे एक्टर है ना भोलू भाई? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो भोलू अभी सीख रहा है वॉलीबॉल खेलना, तो चलिए फिर खेलते हैं, अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए। तो इस भोलू ने बॉल नीचे फेंक दी झाड़ी में, तो अब जा रखा है नीचे लेने के लिए। मिल गया रे, ये तो भोलू भाई ले आए बॉल। अब बरसात के कारण चारों तरफ आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि झाड़ियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है। अब वॉलीबॉल भी हम काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे प्लेयर की बढ़ोतरी होती हुई। कुरली भाई भी आ चुके हैं, बंटी भाई भी, सौरभ भाई भी, और बेहतरीन पास। ये थोड़ा बहुत वार्म अप कर हो रहा है जरा मैच से पहले, क्योंकि वार्म अप करना सबसे ज़रूरी है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो गर्म रहे और खेलने में काफी मजा आए। बेचारे को मच्छरों ने ऐसा खाया कि इसके भ्रमण में गुरमले हो गए। दर्द हूँ और गुंडे चाचा हमको थोड़ा अच्छा लगते हैं।